तो यहां पे सबसे पहले हम ये जोन रिफाइनिंग मेथड क्या है वो समझ लेते हैं ये जो मेथड है ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है कि इंप्योरिटीज जो होती हैं वो ज्यादा सॉल्युबल होती हैं मेल्टन स्टेट में या आप कह सकते हो मोल्टन स्टेट में एज कंपेयर टू द सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल तो यहां पे सबसे पहले हम इसको मैंशन कर देते हैं दैट दिस मैथड इज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल principle that that the impurities impurities are more soluble more soluble in the melt than in the solid state in the solid state ऑफ द मेटल ऑफ द मेटल मेटल है, इसको हम इस एक की हेल्प से समझ लेते हैं इस में ये कर रहा है मेटल रॉड दिस हियर। सो दिस इज आर मेटल रॉड मेटल रॉड ये जो है हमारे इंडक्शन कॉइल हीटर्स हैं, इंडक्शन कॉइल Coil क्या होता है ये जो मोल्टन जोन होता है ये हीटर के साथ आगे मूव करता है इस डायरेक्शन में जैसे जैसे ये आगे मूव करता है प्योर जो मेटल होती है वो क्रिस्टल बना के सेपरेट होती जाती है और इम्प्योरिटीज मोल्टन जोन के साथ ही आगे मूव करती हैं तो ये जो मेथड है ये बहुत यूजफुल होता है सेमीकंडक्टर्स या अदर मेटल्स जो कि बहुत हाई प्योरिटी की होती हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए जैसे जर्मेनियम हो गया सिलिकन हो गया बोरोन हो गया एक्सेट्रा तो यहाँ पे अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो जो गिव इन हैं उनमें सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि इसमें केवल इम्प्योरिटीज़ प्रजेंट होती हैं तो ऐसा नहीं है इसमें प्योर मेटल भी होती है इसमें प्योर मेटल से ज़्यादा इम्प्योरटीज होती हैं ये करेक्ट है तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन बी है दैट कंटेन्स मोर इम्प्योरिटी देन द ओरिजिनल मेटल ये करेक्ट है क्योंकि इसका प्रिंसिपल ही इसी चीज़ पे बेस्ड है कि इंप्योरिटी ज़्यादा सॉलेबल होती हैं मोल्टन स्टेट में देन इन सॉलिड स्टेट तो ये ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी की अगर हम बात करें जिसमें कहा जा रहा है केवल प्योरिफाइड मेटल होती है इसमें तो ये नहीं है इसमें इम्प्योरिटीज ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं प्योरिफाइड मेटल से भी ऑप्शन डी में कहा जा रहा है किसी भी साइड मूव करता है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ ही मूव कर रहा होता है तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सो आई एल जस्ट इट हेयर नाउ दैट इन जोन रिफाइनिंग मेथड जोन रिफाइनिंग मेथड, मेथड। यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं कि ये जो हमारा ऑप्शन बी है ये करेक्ट आंसर है द मोल्टन जोन कंटेन्स द मोल्टन Zone contains contains more impurity more impurity than original metal yap pure metal metal so I'll just write this below here thus I'll write this here that thus the correct answer is correct answer is option B B Hope you understood the explanation thank you